हेलो स्टूडेंट्स, वन सेकेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम। तो पाने आज आम ये पढ़ा दशम श्रेणी इतिहास बहर प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग तार प्रथम पाठर प्रश्न उत्तर आम डिस्कसन करूर्व भिडियो आम एक नंबर क्वेश्चन जहाँ भी किसी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था तार आंसर्स आम डिस्कसन करते तो यही भिडियो आम डिस्कसन करवा दुई नंबर क्वेश्चन कौन कौन सब रही तार जो बिट क्वेश्चन गुड़ाक आम जो रही दुई मार्किया क्वेश्चन गुड़क आम डिस्कसन करने ठीक अच्छे। तो वीडियो को आरंभ करने पूर्व चैनल को यदि सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करनियो ता सहित बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करनियो एवं आमर जो टेलीग्राम चैनल रही है सेठी तुम जॉइन कर पारिबो आर स्टडी रूम लिखिकी सर्च करो टेलीग्राम चैनल मिल जिवो सेठी जॉइन करले कौन फायदा तुमको ना ये जो तुमने पीडीएफ गुड़िक देखु ये पीडीएफ गुड़िक तुमको सेठी देदेवी जहाद्वारा तुम नोट करिवार इजी हे ठीक अच्छे। तो बर्तमान आम जा दुई नंबर क्वेश्चन में तुम कौन रही प्रथम देखने तो दुई नंबर क्वेश्चन कहला प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 20 शब्दर लेख जोटा कि तुमको दुई मार्किया क्वेश्चन सब पचार क्वेश्चन गुड़िक। तो प्रथम क्वेश्चन कहला गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार क्यों स्थान को जाते कौन पर जाते प्रथम जिनस देख गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार क्यों स्थान को जाते तो 1983 मसीह गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाते जोटी से नाटाल कांग्रेस गठन करते ना ना गोरा मान विरोध में तो 1983 मसीह गांधीजी जाते दक्षिण आफ्रिका से नाटाल नामक जगह को जाते कौन पर जाते पढ़ला बेले मुझे जो दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल रूपे गोटे मकदमा लड़ापी से सेठाक जाते ठीक अच्छे। तो गांधीजी कौन पर जाते कौटिकी जाते क्लीयर है जाते से नाटाल नामक जगह को 1983 मसीह जाते गांधीजी एवं दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान मकदमा लड़ापी से सेठाक जाते बुझेगा कि द्वितीय क्वेश्चन पर जा बर्तमान। तो द्वितीय क्वेश्चन देला कौन देख गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार भारतीय मानक इंग्रेज मानक अत्याचार विरोध में सचेतन करने कौन करते दक्षिण आफ्रिकार कौन करते तो गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार भारतीय मानक इंग्रेज सरकार अत्याचार विरोध में सचेतन करने 1994 मसीह नाटाल जातीय कांग्रेस नामक एक राजनैतिक अनुष्ठान गठन करते जोटी नाटाल नामक जगह से गोटे राजनैतिक अनुष्ठान गठन कले जार ना रही कौन नाटाल जातीय कांग्रेस बुझा पड़ा यहाँ कौन पर करते ना दक्षिण आफ्रिकार जो भारतीय मानक इंग्रेज मैंने जो नाना धरण कष्टसाध्य अत्याचार करते तो से विरोध में सचेतन करने जिनसटा सी गठन करते कौन नाटाल जातीय कांग्रेस 1984 मसीह सेकेंड रे कहला कौन करा श्वेतंग मानक अत्याचार संबंध में जनसाधारण को अवगत करने इंडियन ओपिनियन नामक गोटे संवाद पत्रिका मध्य से प्रकाश करते गोटे संवाद पत्रिका प्रकाश करते जार ना थिला कौन ना इंडियन ओपिनियन बुझा पड़ा। तो आम जीवा ग नंबर क्वेश्चन को ग नंबर क्वेश्चन रे कौन कहला गांधीजी क्यों आंदोलन प्रथम थर पर सत्याग्रह प्रयोग करते तो सत्याग्रह प्रयोग केवे गांधीजी कौ आंदोलन पर प्रथम थर पर करते समस्ते यहाँ जाच जोड़ा कि दक्षिण आफ्रिकार प्रथम सत्याग्रह आंदोलन होता तो दक्षिण आफ्रिकार श्वेतांग मानक अत्याचार विरोध में होता आंदोलन में गांधीजी प्रथम थर पर सत्याग्रह प्रयोग करते ना ना श्वेतांग मानक जो अत्याचार करते भारतीय मानक तो ता विरोध में गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार प्रथम ये सत्याग्रह को प्रयोग करते जो सत्य अहिंसा उपर आधारित गोटे नूतन अस्त्र था ये सत्याग्रहटा केमी ना सत्य अहिंसा से जो सत्याग्रह को करते बुझेगा। बर्तमान जी आम चार नंबर क्वेश्चन को तीन काठिया व्यवस्था कौन ठीक अच्छे तीन काठिया व्यवस्था कौन आम बुझा तो देख जो चंपारण आंदोलन पढ़ला बेले तुमको कही तीन काठिया व्यवस्था ना ना तो बिहार रो चंपारण जिले में चाषी मान जमीर 20 भाग तीन भाग अंचल नील उत्पादन करने इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मानक द्वारा बाध्य कराला से कहला तुमको ना जो बिहार रो चंपारण जिले में कौन होता ना चाषी मान जमीर 20 भाग तीन भाग 20 भाग तीन भाग अंश को कौन करने ना से जमीरे नील उत्पादन करने बाध्य कराला का द्वारा इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मान द्वारा तो से इंग्रेज वृक्षरोपण मान द्वारा निर्धारित दर में बिक्री करने पड़ता ए व्यवस्था कौन कहला ना तीन काठिय व्यवस्था बोली कहला ये जो नील उत्पादन करेंगे से मैंने नील उत्पादन को इंग्रेज जो रही थे वृक्षरोपणकारी मैंने जो दर सीरे थे से दर ही बिकापी पड़ता तो यहाँ को कहला कौन तीन काठिया व्यवस्था। बर्तमान आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा वन नंबर क्वेश्चनटा कौन कह देख नील चाहिदा ह्रास पाइबा फल
चंपारण रे चासी मानको किपरि शोषण करा गला ठीक अछि। जतबेले नील जो उत्पादन करिया पय बाध्य कराउथला नीलर चाहिदाटा जतबेले मार्केट रे कमी गला ताले सेतबेले केमिति शोषण करा गला से विषय आमे देखिबा ठीक अछि। त नीलर चाहिदा ह्रास पाइबा फल रे चंपारण रे चासी मानको नील चास बाध्यतामूलक भाबे न करिया पय जमीर भड़ा वृद्धि कर दिया गला। तो जेतबेले नीलर चाहिदा कमी गला तो नील कम दरकार पड़ला ना ना इरेज वृक्षरोपण कारी मानक तो तेणु चंपारण रे जो चाषी मैंने नील चाष न करेंगे बोली कौन कले ना जो भूमिर भड़ाटा को जमीर भड़ाटा को बढ़े देते ठीक अच्छे। तापर एतद व्यतीत अनेक बेआईन टिकस आदाय कर चाषी मान शोषण कराला ता छड़ा कौन कले ना अनेक बेआईन टिकस जोटा कि आईन बाहर से टिकस देवाटा देवाक ना से टिकस से नहीं कि अत्याचार कराई ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट जी आम क्वेश्चन नंबर च ठीक अच्छे। चरे कौन कहला ना खेड़ा सत्याग्रह कौन पाए आरंभ होता खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा आंदोलन आम जहाँ कहते सर कौन पाए आरंभ होता जो आमर 1918 मसीह गुजरात खेड़ा जिले में स्वाभाविक उत्पादन एक चतुर्थांश कम परिमाण शस्य उत्पादित हेले चाषी मान राजस्व देय परिमाण कोहल करार व्यवस्था थी ठीक अच्छे। कौटी ना जो आईन अनुसार जदि कौन सी भी चाषी जदि एक चतुर्थांश रु कम माने चारि भागर गोटे भागर जदि कम है चारि भाग जमीर गोटे भागर उत्पादन रु भी कम जदि हुए ताहले कौन हुए ना से टिकस कोहल करार व्यवस्था थी कौटा 1918 मसीह गुजरात खेड़ा जिलार कथा यहाँ कहुची तो कौन होता ना से वर्ष कम होता किंतु इरेज कर्मचारी मैंने कौन कले चाषी मानक संपूर्ण राजस्व भरण करने को बाध्य कर गांधीजी यह विरोध में सत्याग्रह आरंभ करते सेटा को आम कहते कौन जेहेतु खेड़े आरंभ होता तेणु खेड़ा आंदोलन बोली आम नाम नामित करते बुझेगा। नेक्स्ट जी आम क्वेश्चन नंबर छ को कौन कह ना अहमदाबाद लुगाकल श्रमिक मान कहीं मालिक मान सहित कल आरंभ होता कौन पर आरंभ होता काली मुझे जो प्लेग जो बोनस से प्लेग बोनस देवा मना करदे मालिक मैंने तेणु आंदोलन आरंभ होता तो देख देखा आम कमी लिखा गुजरात अहमदाबाद रे लुगाकल गुड़िकर मालिक मैंने प्लेग महामारी श्रमिक मानक प्लेग बोनस नाम एक स्वतंत्र भत्ता देवार व्यवस्था थी गुजरात रे जो अहमदाबाद रे जो लुगाकल थिला सेठी गोटे भत्ता व्यवस्था चली था जे प्लेग महामारी बेले प्लेग बोनस गोटे दिया श्रमिक मानक किंतु कौन होता ना किंतु मालिक मैंने स्वतंत्र भत्ता देवा प्रत्याहार करिवारु श्रमिक और मालिकों मध्य कलहर सूत्रपात होता तो मालिक मैंने कौन कले आउ दे जो भत्ता जो बोनस दे तेणु मालिक आउ श्रमिक मान भितर गंडगोल आरंभ हो जाता। नेक्स्ट जी आम ज नंबर क्वेश्चन को राउला तैन कौन वेरी वेरी इंपोर्टां क्वेश्चन प्राय सब एग्जाम जो क्वेश्चन टी आसी थाए तो भल से निहाती भाव पढ़ापाई चेषा कर क्वेश्चन टी राउला तैन कौन ना देख 1919 मसीह इरेज सरकार भारतर विद्रोह आ विप्लवात्मक कार्यकलाप को दमन करने विचारपति राउलात अध्यक्षतार गोटे कमिटी गठन करते कमिटर सुपारिश रे जो आईनटा प्रणयन है से आईनटा को आम कहले कौन ना राउलात आईन बोली कहले ठीक अच्छे। केबे हेतिला ना 1919 मसीह जो भारत जो विप्लवात्मक जो कार्यकलाप गुड़िक चली जो विद्रोह चली दमन करने नष्ट करदेपी ठीक अच्छे ताकि शेष करदेपी विचारपति राउलात अध्यक्षतार गोटे कमिटी गठन करागला आउ से कमिटी तार सुपारिश क्रमे गोटे आईन प्रणयन है कौन कहला ना राउलात आईन बोली कहगला। यही आईन में जेकोसी भारतीय को गिरफ्त करा बिना विचार कारदंड दंडित करार व्यवस्था थी आईनर व्यवस्था कौन थी ना जेकोसी भारतीय को जे के भी चाहिए गोरा मैंने कौन करें आरेस्ट करें कारागार बंदी करें ताको दंड दे पारे बिना विचार करी ठीक अच्छे। तो यहाँ थी तुम राउला तैन। नेक्स्ट जी आम क्वेश्चन नंबर झ को क्वेश्चन नंबर झ कौच राउला तैन विरोध में गांधीजी गण सत्याग्रह को आनी बेसांत व्यतीत आउ के नेता मैंने विरोध करते ठीक अच्छे। राउला तैन विरोध में जो गांधीजी गण सत्याग्रह करते आपको किए किए विरोध करते इनडायरेक्टली आमको क्वेश्चन पचार ठीक अच्छे। तो देख राउला तैन विरोध में गांधीजी गण सत्याग्रह को प्रथमे तो आमको क्वेश्चन में कहीदे श्रीमती आनी बेसांत विरोध करते ना ना ता सहित व्यतीत दिस एदुल वाचा सुरेन्द्रनाथ बानाजी तेज बहादुर साप्रू
ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗଣସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଭଲସେ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିନିଅ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ନିଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କାହିଁକି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଆସିଥାଏ। 2 ମାର୍କ ହଉ, ସେ 4 ମାର୍କ ହଉ, କିମ୍ବା 1 ମାର୍କ ହଉ। ତ ଦେଖ, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଭେରି ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ସେଇଟା। ତ ପ୍ରଥମ ବିଟ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ନା, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଠାରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁଠି? ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଠାରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ବା ବଗିଚା ଥିଲା, ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। କେବେ? 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ ନା, ଏ ଯେଉଁ ରାୟଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସହରରେ ସଭା ସମିତି ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ତ ଆଗରୁ କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା ନା, ସହରରେ ସଭା ସମିତି ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଦେଶନାମା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଜନସାଧାରଣ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ସୈନିକଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଆସିଥିଲେ, ଅମୃତସରର ଯେଉଁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଆସିକି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆ ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଲେଖୁଛ, ନିହାତି ଭାବେ ତୁମକୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତ 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ରଖ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।